नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाहक एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वर्गीय मदनदास देवी की स्मृति में सोमवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आरएसएस के पदाधिकारियों सहित राजनेताओं व समाज के विभिन्न गणमान्य लोगों ने मदनदास देवी से जुड़े अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मदनदास जी के ध्यान से असंख्य लोग जिस वेदना का अनुभव कर रहे हैं उसमें मदनदास जी मनुष्यों के कैसे परखते थे, यह यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, उसका अनुभव है, इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं। मदनदास जी स्नेह भी देते थे, कड़ाई से जो गलती है उसको उचित शब्दों में कहकर हम गलत रास्ते पर ना जाएं, इसके पूरी सावधानी वो स्वयं रखते थे। व्हीप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने भी एबीवीपी के दौरान उनके साथ किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनमें एक श्रद्धा व सहजता थी, वे हाथ पकड़कर हंसते हुए कुछ कह देते थे तो हम उसी वक्त समझ जाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके प्रति अनन्य श्रद्धा भी थी, पर उस श्रद्धा के साथ साथ उनके प्रति हम सबकी सहजता थी। ये श्रद्धा और सहजता को इकट्ठे मिला के रखना, आदर भी हो और मन की सब बात उनसे ही कह देने की इच्छा हो, और उन्होंने भी कुछ समझाए बगैर थोड़ा हंसकर कुछ कहा, उसमें से उत्तर मिल जाता था। और हम सबका जो हम सबके प्रति का उनका प्रेम, ये ज्यादा घनीभूत हो गया। कभी कभी मिलते थे, पास में जाते थे हम लोग, लंबी बात नहीं होती थी, वो हाथ पकड़कर कुछ हंसकर कह देते थे, एक दो वाक्यों में कुछ ऐसी बात बता देते थे जिसका हमें ध्यान सतर्कता से रखना आवश्यक होता था। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मदनदास देवी ने 6 दशक तक आरएसएस प्रचारक के रूप में अपनी सफल व सार्थक भूमिका का निर्वहन किया था। वे एक ऐसे राष्ट्र चिंतक थे जिन्होंने अकाउंटेंसी में गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा। उनके निधन की जब जानकारी प्राप्त हुई तो उस समय जो हम लोग बैठे हुए थे उसमें किसी ने मुझे बतलाया, पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और एक मेधावी छात्र थे, गोल्ड मेडल भी उन्हें हासिल हुआ था। फिर भी उन्होंने यह संकल्प लिया कि मुझे केवल परिवार नहीं चलाना है, अपनी ही चिंता नहीं करनी है, हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था थी जिसमें रहकर उन्होंने इस समाज को जो सेवाएं दी हैं, यदि उसकी चर्चा की जाए तो एक लंबा समय लगेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता स्वयं मदनदास देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं, इससे उनके व्यक्तित्व का व कृतित्व का पता चलता है। बहुत सी जानकारियां हम सब लोगों ने हासिल की हैं। मैं अगर एक वाक्य में कहना चाहूं तो आज जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता एकत्र आए हैं, यह बताता है मदनदास जी की व्यक्तित्व को, यह बताता है मदनदास जी के कर्तित्व को, यह बताता है मदनदास जी के त्याग और तपस्या को। एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द लॉन्ग शैडो ही लीव्स। एक व्यक्तित्व कितनी लंबी परछाई अपनी छोड़ता है वह उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है। आज लाखों कार्यकर्ता मदनदास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के
एक जीवन लक्ष्य लेकर के उन्होंने समाज जीवन में अपने आप को लगाया, यह मदनदास जी की खूबी थी। वहीं पंजाब केसरी की निदेशक व चौपाल की संरक्षिका किरण चोपड़ा जी ने कहा कि मदनदास देवी जी संस्कार, सहयोग, प्रेम व समर्पण की परिभाषा थे। वे राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की प्रतिमा थे। मेरे और अश्वनी जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। रानी जी के साथ आकर मुझे चौपाल की संरक्षिका बनाया था। मुझे याद है कि अश्वनी जी बहुत गर्म आर्टिकल लिखते थे कभी कभी, जब हमारे वाजपेयी जी का समय था प्रधानमंत्री जी का, तो आदरणीय मदनदास देवी जी आकर बातचीत करते थे। तो मैं अश्विनी जी से अक्सर पूछती थी कि आपसे इतनी लंबी बात होती है तो क्या कहते हैं? कहते कुछ नहीं कहते, वो अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं, मैं अपना पत्रकारिता का धर्म निभाता। तो उनमें बहुत अच्छा रिश्ता था। उसके बाद जब अश्विनी जी बीमार हुए तो आदरणीय मदनदास देवी जी घर आए, अभी कि उनसे चला नहीं जाता था, और वो बड़े अच्छे से उनके साथ बैठे। उनकी बात भी स्पष्ट नहीं थी, पर मुझे उन्होंने कहा तू शेरनी बेटी है, तू अपने पति को स्वस्थ कर देगी। तो मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे मालूम था कि अश्विनी जी की सेहत किस ओर जा रही है, पर उनका ये कहना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आदरणीय, जब भी हमारा चौपाल का प्रोग्राम होता था तो हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम करते थे, अभी कि उनके पास उनसे स्टेज पे नहीं चढ़ा जाता था, दो व्यक्तियों की मदद से वो स्टेज पर चढ़ते थे और वहाँ बैठे रहना पूरे प्रोग्राम में, और सबको हौसला देना और सबको कहना कि आगे बढ़ो, बड़े प्रेरणा देते थे सबको। और उनके कार्यक्रम के बाद वो भोजन अवश्य करते थे हम सब के साथ बैठकर, क्योंकि उनकी एक खासियत मैंने देखी कि एक एक व्यक्ति का नाम जानते थे, एक एक व्यक्ति को वो लाकर बात करते थे, और जब मुझे अवसर मिलता था तो मेरे साथ भी पूरी बात करते थे, चाहे मुझे उनकी बात कम समझ आती थी। पर एक बार की बात है, मुझे कभी नहीं भूलती, वो अलर्ट बहुत थे। हम भोजन कर रहे थे, बड़ा प्रोग्राम था, चौपाल का समाप्त हुआ तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, मेरे को एक कार्यकर्ता ने बहुत बड़ी थाली में बड़ा कुछ डाल दिया, मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इनका ध्यान नहीं जाएगा, मैंने धीरे से थाली खिसका दी, तो मेरे को उन्होंने बड़े अपनी भाषा में बोला कि धीरे धीरे खाओ, समाप्त हो जाएगी, जूठा मत छोड़ो। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, और मुझे तो लगता है जो उनका मैंने व्यक्तित्व देखा, जो उनका उनके साथ समय बिताया, वो वाकई में संस्कार, सेवा, त्याग, समर्पण, सहयोग की एक परिभाषा थे। उनमें देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था, और हम सब लोगों के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन थे। और मैं यही कहूँगी कि आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज हम यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, देश को भी हम कुछ देना सीखें, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे मानवता की जीवंत मूर्ति थे, उनसे मिलकर लोगों को सहजता का एहसास होता था। Whatever I have been, whatever I am, I always think it is because of the training ground that has been provided to me in Vidyardhi Parishat. I came in contact with Sangha at a very age and immediately I joined ABVP. And ABVP, Sangha has taught me character, discipline, but ABVP taught me the organizational abilities of a leader. That's how I always feel I could come up in life. I had the good fortune of meeting many stalwarts those days. Sri Dattaji Didolkar. वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने भी मदनदास देवी से जुड़े संस्मरणों को याद किया। तो मेरे पास एक पत्र है, उनका हैंडराइटिंग बड़ा छोटा छोटा होता था, एक लाइन के अंदर कम से कम 50 शब्द आ जाते थे।
तो मेरे पास अभी भी पेन कोशिश करता ढूंढने की, मेरे को मिला नहीं। उन्होंने बहुत चीजें उसके अंदर लिखी, हड़ताल खत्म हो गई, हम क्या करते रहे, कई चीजें ऐसी बताई। मेरे को लगता कि वो मित्र के नाते बता रहे थे या मेंटोर के नाते बता रहे थे या कुछ वो मेरे से अपेक्षा करते थे, मेरे को समझ नहीं आया। काफी चीजें लिखी उन्होंने कि आप पूर्णकालीन नहीं है, परंतु मेरे को लगता है कि आप पूर्णकालीन कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, सारा दिन दफ्तर में रहते हैं, घर नहीं जाते हैं और सारा दिन यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हैं। अंत में जो दो चीज कह गए वो जो मेरे गहन में अभी भी बैठी हुई है, प्रभु जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक की चर्चा अखबारों में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, फ्रंट पे छपती है, पर उसमें उनका नाम आपके साथ आपका नाम भी साथ में छपता है प्रभु चावला का। आपको सोचना चाहिए कि इतना छपना चाहिए आपका नाम कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, परंतु हमारा आंदोलन सफल रहा इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरे को लगता है कि उस आंदोलन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार मार्क्सिस्ट जो कंट्रोल करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हमने ओपी कोहली जी अध्यक्ष बने थे, हमने हराया था। यहाँ बता दें कि गत 24 जुलाई को 81 वर्ष की आयु में मदनदास देवी जी का निधन बेंगलुरु में हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, अजय महावर, आरएसएस के सह सहकार्यवाहक अरुण कुमार, कृष्ण गोपाल, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रदेश कुमार जी, भारती भूषण व रितेश अग्रवाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, कथावाचक अजय भाई, नेता विपक्ष महावीर सिंह बिधूड़ी व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे।